gentlemen, for those who are able, please be standing for the Australian National Anthem, followed by the Indian National Anthem. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। से एक वादा किया था, वादा यह था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस एना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है, ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोन को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर प्रूकार
ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने।